जिन्होंने कहा है कि हमें सहायता नहीं मिल रही है। अब श्रमिक स्पेशल पर भी मैं उस पर चाहती हूँ कि मजदूरों पर अलग से हम लोग चर्चा करें, लेकिन उन्होंने लगातार ये कहा कि जितनी मदद मिलनी चाहिए राज्यों को पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो पंजाब सरकार हो, वहां से शिकायत आए, महाराष्ट्र सरकार हो, ये जो मतभेद हुए इन पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, मैं नहीं मानता ये कोई बहुत बड़ा मतभेद है। 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज और उसके अलावे भी 12,000 करोड़ रुपया NDRF फंड के भेजे गए, वित्त मंत्रालय के द्वारा भी और 22,000 करोड़ भेजे गए, ढेर सारी सहायता भेजी है। मगर केंद्र सरकार की भी एक मर्यादा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुल 41 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया गया। अब ये सभी राज्यों में गया है, कोई एक राज्य में, सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में नहीं गया है, बंगाल में भी गया है, पंजाब में भी गया है, महाराष्ट्र में भी गया है, केरल में भी गया है, तमिलनाडु में भी गया है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और UP में भी गया है। लगभग जनधन योजना के जिनके अकाउंट है, 20 करोड़ महिलाओं को 20,000 करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी डाल चुके हैं। जहां तक दिव्यांगजनों का सवाल है, 3 करोड़ वृद्ध और दिव्यांगजनों के अकाउंट में 2,800 करोड़ से ज्यादा अमाउंट हमने डाल दी है। मैं मानता हूँ ये सभी राज्यों के अंदर जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरत है, उन लोगों तक पहुंचा है। PM किसान योजना के तहत लगभग 8.25 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 16,394 करोड़ रुपया डाल दिया है। ये भी देश के सभी किसानों के वहां पहुंचा है। लगभग जो कंस्ट्रक्शन के काम में श्रमिक जुड़े हुए हैं, ऐसे 2.25 करोड़ श्रमिकों के अकाउंट में 4,000 करोड़ रुपया डाल दिया गया है। और लगभग अनाज की हम बात करें, जो भारत सरकार के द्वारा वितरित किया है, अगर 36 प्रदेशों में लगभग 83.87 लाख मेट्रिक टन अनाज ये 3 महीनों में बांटा गया है। मैं मानता हूँ ये सब राज्यों को ही दिया गया है, राज्यों को उनके खर्चे के लिए भी, शुरुआती खर्चे के लिए भी। SDRF NDRF के तहत 11,000 करोड़ रुपया दिया गया। वित्त मंत्रालय ने भी अपनी पहली किस्त समय से पहले जारी कर दी, क्योंकि वो इसका समुचित उपयोग कर सके। और अब जो 20 लाख करोड़ का पैकेज हमने घोषणा किया है, वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी जिन जिन इकाइयों को मिलने वाला है, वो सभी राज्यों में। लगभग 1.5 लाख टन से ज्यादा तो हमने दलहन भेजी, ये सारी सहायता राज्यों को भेजी, ऐसा नहीं है नहीं भेजी। हाँ, अपना एक नजरिया होता है ज्यादा मांग करना और ज्यादा मोदी जी के साथ अपने राज्य का पक्ष रखना, इसमें मैं कोई बहुत बुराई नहीं देखता, ऐसा होता रहता है, राज्य मांगते भी हैं। परंतु मैं इतना सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी महामारी में आज तक के किसी भी संकट से ज्यादा पैसा भारत सरकार ने राज्यों को दिया है। अब आते हैं प्रवासी मजदूरों पर।